भैया थोड़े छोले देना, ऐसी कोई दुकान होती है जहाँ बोल रहे भैया थोड़े भटूरे देना? देखो मुझे प्यार हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि कैसा होता है प्यार। बढ़िया। अच्छा अच्छा ये होली आ रही है ना तो क्या खाने आए हैं? छोले भटूरे। यहाँ क्या खाने आए हैं? छोले भटूरे। जिन किसी को प्यार नहीं होता यहाँ के छोले भटूरे खा लो प्यार हो जाए। क्या बोला तूने? तो आज हम खाने वाले भाई वेस्ट दिल्ली के सबसे बढ़िया छोले भटूरे। हम निकले हैं खोजपे की वेस्ट दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया छोले भटूरे है तो किसके? भाई वेस्ट दिल्ली की बात हो रही है, पिज्जा टिक्की में ना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये समझा रहे हैं वेस्ट दिल्ली के सबसे बढ़िया छोले भटूरे खाने और हम दोनों आपको खा के बताएंगे कि किसके छोले भटूरे सबसे बढ़िया है। तो भैया पहला स्टॉप है मेरा सीएल कॉर्नर, जी हाँ, मोती नगर है शायद, राइट? तो भैया हम यहाँ पर आए हैं स्पेशली लोगों की डिमांड पे कि हर किसी ने बोला है वेस्ट दिल्ली के छोले भटूरे की बात आए तो सीएल कॉर्नर मतलब मिस नहीं करना। तो चलता हूँ जाके लेके आता हूँ गर्मा गर्म छोले भटूरे आपके लिए और फिर दोनों हम टेस्ट करेंगे और देंगे 10 में से नंबर। चलिए ये देखो भाई साहब, ये है इनके द स्पेशल छोले और इस छोलों के अंदर पालक भी होती है, अलग से पालक भी होती है और ये मसाले वाले आलू, मतलब भाई ये आलू ऐसे है सच में कह रहा हूँ, मुझे बस परांठे ला दो, मैं परांठों के खा जाऊँगा आलू। ट्रस्ट में भाई मज़ेदार छोले भटूरे हैं, बढ़िया सी स्टफिंग करके भाई जो ये भटूरे तलते हैं ना भाई एकदम गर्मा गर्म फूले फूले निकलते हैं, मज़ा आ जाता है। तो भाई साहब प्लेट आ चुकी है छोले भटूरे की और 100 रुपये की प्लेट है भाई, 100 रुपये की प्लेट। अच्छा एक बात बताओ, आपको हाँ। पता है सी एल कॉर्नर का फुल फॉर्म क्या है? सी एल बता मैं? हाँ बता दो। बताओ सी एल कॉर्नर में जो सी एल है वो है चुन्नीलाल जी, चुन्नीलाल जी जो है वो इनके दादाजी थे जिनके नाम पे दुकान है। और एक और बात जो ये नहीं बताएंगे मैं बता देता हूँ कि ये भी धुआं है और हम भी ये भी धुआं है तो बेसिकली अपना सारे धुएं। तो अगर करण ने कोशिश की कि करण भाई ने कि हाँ जी अपना एक्स्ट्रा मार्क्स इनको दे दे तो हम अपना रोक लेंगे। देखा इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, इसीलिए हमने स्पेशली इनको बुलाया इस वीडियो के लिए कि इनको पता कि भटूरे की कहानी और कहाँ कहाँ पे क्या मिलता है बढ़िया। तो भाई चेयर्स, सही पहली बाइट आज की, 10 पैसे नंबर देंगे टिक्कू जी और 10 पैसे दूंगा मैं। तो आज हम सब स्वाद के नहीं खा रहे, आज हम जज करने के लिए खा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सोचने में कि किसको नंबर देने चाहिए। और तो और 5 प्लेट है आज टोटल, 5 आउटलेट दिखाएंगे आपको आज वेस्ट दिल्ली के जहाँ पे जो जो काफ़ी पॉपुलर है और हमने सिर्फ ये बताना कि उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा। एक बाइट और इसके बारे में बता दूँ कैसा है। तो भाई अगर बात करी जाए ना, अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है पालक की वजह से नमक तेज हो गया छोले में, आपको क्या लगता है? यार मेरे सीएल कॉर्नर के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं सम हाउ, मुझे ना काले वाले छोले होते हैं ना प्रॉपर भटूरे वाले होते हैं, पालक मेरे लिए ना एक एक्स्ट्रा थिंग की इन्होंने पालक डाली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पालक के बगैर काम चल जाता, स्वाद और अच्छा आता। आई वुड सम हाउ गिव 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 और मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर क्योंकि मुझे पालक वाले छोले नहीं पसंद और पालक की वजह से कहीं ना कहीं नमक जो है वो थोड़ा सा ओवर हो गया। और हम चलते हैं आपको दूसरी जगह पे लेके जो कि है रजौरी गार्डन के अंदर, तो सीधा वहीं मिलते हैं आपको। तो भाई साहब भटूरे आ चुके हैं और कहाँ पर आए हैं जी? प्रेम दी हट्टी जो कि रजौरी गार्डन की जस्ट मार्केट के साथ साथ ही है और भाई ये टिक्कू जी ने सजेस्ट किया है, ये हमारे लाइन में सिंपल जी है, प्रेम के खाओ प्रेम से खिलाओ ऐसा ये कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वाद वैसा है कि नहीं है। और बट आप इनसे मिलिए मिसेस होली, मिस होली। हाँ ये होली आ रही है ना तो उसके लिए यू नो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन किसी को प्यार नहीं होता यहाँ के छोले भटूरे खा लो प्यार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो एक काम करते हैं इसको फुड़कोड़े। ओ भाई ये फूटा गया ना क्योंकि थोड़ा सा वो है मेरी उंगली। मैं पहले इसको दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये स्टफिंग है, स्टफिंग तो ये रही छोटी सी है कोई नहीं बट है तो सही। हाँ समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्यारे समझ गए। तो ये देखो भाई ये आ गई बाइट। वाह, आई
एग्री, मुझे बहुत अच्छे लगे भाई, नॉट बिकॉज मैंने सजेस्ट किए, एक्चुअली बेस्ट पार्ट क्या थी, भटूरा ना करा रहा है, ऊपर से करा रहा है, ऊपर से करा रहा है, बढ़िया रंग बना हुआ है, छोले भटूरे वाले प्रॉपर तरीके से हैं, बढ़िया छोट, बट इसके भटूरा मोटा भी है। अच्छा मोटा नहीं लग रहा आपको? नहीं मुझे नहीं लग रहा, आपको मोटा आ गया होगा एज कम्पेयर टू अदर छोले भटूरे जितने भी हमने खाए हैं, मतलब कि वैसे का भी खाए हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भटूरा मोटा लगा। मजे आ गए? एक और इंटरेस्टिंग है, मुझे प्यार हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि कैसा होता है प्यार, बट ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्या बात है, समझ गए ना आप? आप समझ गए ना? जिसने समझना समझ लिया। तो भाई वही चीज है, यार ये अच्छा है कि जो अपना प्याज वगैरह भी है ना वो मसाले के साथ पूरे अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और गाजर का अचार भी है। तो I'm enjoying this also। 90 रुपए कीमत है, सीएल कॉर्नर पे थी 100 रुपए। तो भाई अब तीसरी जगह कौन सी है? एक काम करते हैं ना, बहुत नाम सुना है मैंने विराट कोहली के फेमस, विराट कोहली के फेमस, हाँ तो चलते सीधे रामा, रामा पे चलते हैं। बट इसको मार्क्स दे दें, इसको मैं दूंगा भाई 10 में से 7। मैं ज़्यादा दूंगा, मैं 10 में से इसको 9 दूंगा, बिकॉज भटूरे करा रहे हैं, छोले बढ़िया हैं और प्याज ना, एक्चुअली जो प्याज और उसका जो अचार का चटका है ना वो मज़ेदार है। फ्री में भैया थोड़े छोले देना, ऐसी कोई दुकान होती है जहाँ बोलते हैं भैया थोड़े भटूरे देना? अगर आपको पता है ऐसी हुई जगह तो प्लीज नीचे कमेंट करना। अरे ये लो 1 2 3 हम खाएंगे भटूरे 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 भटूरे। तो भैया जी अब हम जा रहे हैं, आपको पता ही है कि विराट कोहली के सबसे फेमस उनके छोले भटूरे खाने के लिए, देखते हैं भाई कितना दम है विराट कोहली के टेस्ट में आज। तो आ गए भाई साहब हम रामा छोले भटूरे, जेल रोड पे आ गए हैं, जो कि काफी पॉपुलर है यहाँ पे। और मुझे लगता है जैसे कि जब से विराट कोहली ने बोला है ना राम के छोले भटूरे खाता था मैं रजौरी गार्डन, तो उसकी वजह से राम माश फेमस हो गया। बिल्कुल है ना? सही जी। तो रामा के पहले भी खाए हुए हैं और नेवर बीन ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट। और 100 रुपए प्लेट है भाई, घर के पास है तो मैं हमेशा यहीं से खाती हूं। 100 रुपए प्लेट है वो खाए ये रहा। ओ भाई अंदर से क्या वो डोरेमोन निकल रहा था या वो क्या था, डिस्क निकल नहीं रही? नहीं मैं वो देख रहा हूं, व्यूअर्स वी आर लकी की थोड़े से है तो टेस्ट कर दे। मन्नी के घर के जस्ट पास में है, अगर आपको मन्नी से मिलना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ खड़े होकर मन्नी का मैसेज कर देना। सोनीत के भी घर के पास है, हाँ मन्नी ने भी बताया। भटूरा मेरे को सही लगता है इसका, लेकिन अभी तक हम 2 खा चुके हैं, छोले एकदम ब्लेंड है। मैंने बोला था, याद आ रही है, मैंने बोला था कि छोले फीके हैं, वो शक्ल से दिख रहा है कि छोले फीके लगते हैं। आप ये देखोगे छोले का कलर देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे कि छोलों के अंदर पानी मिला के ग्रेवी बनाई, जैसे बढ़ाए होते हैं ना, तो वो वाली फीलिंग आती है एक्चुअली में। नॉर्मली अलग अलग सबके खाए हुए हैं बट 5 इकट्ठे करने का यही तरीका है, तो आप कंपेरिजन कर सकते हो एग्जैक्टली कि भैया किसके कैसे हैं, क्या फ़र्क है सब में। तो प्याज के अंदर, भटूरे के अंदर, छोले के अंदर एंड somehow मैं वैसे अगर रेगुलर बेसिस पे खाती हूं, मैंने ऐसे कंपैरिजन नहीं किया, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। किसका अच्छा लगता है? घर के पास है। तो भैया मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 4। आप कितने दोगे? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो भाई 5 देने वाली थी यार, बट मुझे हां प्रेम की याद आ रही है। 10 में से 4 है मेरे, 10 में से 4 है टिक्कू जी के। इसे हम किसी तरह खत्म करते हैं और चलते हैं आपको सीधा अगली जगह पे लेके। और ये मैसेज है विराट कोहली भाई के लिए, मेरे बड़े भैया आप कभी दिल्ली आओ तो हमारे साथ घूमो, हमारे साथ हमारे पास आना और हम आपको लेके चलेंगे बढ़िया छोले भटूरे खाने। ऑब्वियसली प्रेम के अभी तक है लेकिन आपको लेके चलेंगे नंद के पास, राधे श्याम के पास, भटूरे खाओगे कहोगे आ मजा आ गया। चले, चले। देखो भाई साहब ये लग रही है हमारी छोले भटूरे की प्लेट एट ग्रोवर स्वीट्स, जो कि जेल रोड पे है, सैंडोज के जस्ट 7 पे। इससे क्या होगा, उसी में डाल दो ना, ये देखो ओए होए ये डाला पाला डाली है। तो ये आ गए भाई साहब मसाले वाले आलू, थोड़ी सी पालक, छोले और गर्मा गर्म 2 फ्लफी भटूरे। क्या खाने आए हैं? छोले भटूरे। क्या खाने आए हैं? छोले भटूरे। यहाँ क्या खाने आए हैं? छोले भटूरे। छोले भटूरे। तो भाई फाइनली ग्रोवर स्वीट आ चुके हैं और 90 रुपए कीमत है। तो करे जय सिंह आ जाओ भाई,
पहले इसका ऑपरेशन करते हैं, पहले देख लो। हेलो हेलो, ये देखो सबसे ज्यादा। ओके सही। तो इनके पास पनीर वाले भी मिलते हैं, बिना पनीर वाले भी मिलते हैं। अच्छा जी, तो आपकी चॉइस, आप कौन सा खाना चाहेंगे? वो मसाले वाला आलू अलग से दिया है। चेस। बोल दो टिक्कू जी, बोल दो। ठीक है, लेकिन बेटर देन रामा। उससे तो बेटर मुझे लगा रामा से। मैं अच्छा बताऊं, हमारे बिल्कुल रिलैक्सो के साथ में अर्जुन और अर्जुन के सामने रेडियो वाला लगाता है, 50 रुपये प्लेट बेचता है, बहुत कमाल के भटूरे। रामा की जो क्वालिटी है वो 50 रुपये वाली है, एंड दैट अर्जुन इज स्टिल बेटर देन दैट रामा स्टफ। तो भाई मैं इसे दूंगा 10 में से 7। मैं भी 6। उनका एक अच्छा बात क्या, ये आलू अलग दे रहे हैं, अच्छा आलू दे रहे हैं। Hmm. लेकिन भाई बोला भाई तो टच करने में डर लग रहा है, पता क्यों? 110 रुपए देंगे और पनीर वनीर कुछ नहीं है। पनीर 110 रुपए में फिर ठीक है, 100 रुपए बिना पनीर वाले हैं। Nice. भाई जीत गया भटूरे में, जीत गया लड़का। Nice. पर मुझे इसके ना खोल के देखने भी पड़ेंगे पहले। वो जो बंदा समझ गया, तो वो मेरे खोल के चेक करने पड़ेंगे फिर खाऊंगा। चलो भाई अब खाओ। एक बार तो डर रहे हैं। लेट्स सी, लोगों के नाम पे खुद डर रहा है भाई। भटूरे में जीत गया लड़का, भटूरे में जीत गया, 110 रुपए वसूल हो गए इसके। सही में ये आ गया भाई। It is good. Cheers. अरे बाबा। ओए होए। भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेडल मिला है हमारे को। है ना? 110 रुपए में है। 110 रुपए के, और भाई साहब थोड़े करारे भी है। अच्छे हैं। Like वैसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसे इतने अच्छे मैंने, बट वाकई में अच्छे निकले। बट रेटिंग की बात आती है जहाँ पे, तो टिक्कू जी बताओ। सिंपल, बढ़िया भटूरे, बढ़िया छोले, एंड आई विल गिव देम 8.5। 9 भी दे दूंगा। एक बोलो। 9 मतलब ये 9 का ये 9 8 मैं दूंगा 8। मैं भी भाई ये तो फिर जीत जाएगा यार। क्या बात है, लड़का तो जीत गया भाई। भाई नहीं मतलब अपना भटूरे ने भी जीत लिया, छोले भी बहुत बढ़िया हैं। भटूरे तो भाई वाकई में बहुत बढ़िया है, छोले का टेस्ट भी इट्स गुड, बढ़िया है, कोई चीज़ ख़राब नहीं लगी। सिर्फ ख़राब लगी तो ये कि सब दो बंदे दे रहे हैं 90-90 के, एक दे रहा दो दे रहे 100-100 के, और ये 110 रुपये। लेकिन वो 10 रुपये का पनीर, 10 रुपये से ज़्यादा का पनीर डाल दिया भाई ने, ये इस वजह से वो जस्टिफाइड है 110 रुपये। पहला, और दूसरी चीज़ ये मेरे लिए कि पीछे बड़ा न्यूज़ में रहा था ये, ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि हर किसी का एक दिन बुरा वक्त आता है, बुरा डे आता है एक्चुअली में, वो दिन था उसका। दिस इज गुड मतलब इट इज वर्थ ट्रैवलिंग ओवर हियर टू हैव द भटूरे। एक बात मैं आपको और कहूंगा भटूरे के बारे में, जनरल जब भी आप भटूरे खाओ बोलना भैया थोड़ा करारा कर दो। कई बार क्या करते जल्दबाजी में पोला कर देते, लेकिन करारा करवाओगे तो ज्यादा मजा आएगा भटूरा खाने का। किसी भी दुकान पे जाओ, किसी भी दुकान पे जाओ। तो भाई रेटिंग आपको सारी मिल चुकी है, ये है भाई वेस्ट दिल्ली के सबसे बढ़िया प्लेसेस छोले भटूरे खाने की। हमने मतलब कि ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर आप शायद जाके ना खाओ। अगर आपके घर के पास ये सारी चीज़ें पड़ती है तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर बढ़िया वाले खाने हैं तो रेटिंग देख के आपको पता चलेगा कि विनर कौन है। अच्छे सारे, सबको प्यार, सारे अच्छे हैं। लोग हर दुकान पे लाइन लगाए खड़े होते हैं, बट इफ यू वांट टू नो द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। बाकी कहीं पे भी जाओ खाओ, मेन बात है खाना एंजॉय करो, और मुंह में स्वाद आना चाहिए। तो इसी के साथ भाई टिक्कू जी को कर लो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और आप प्लीज वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपको जल्दी से ऐसे ही किसी चटपटे वीडियो के साथ। बहुत जल्द नीचे कमेंट करो टिक्कू जी और मेरे साथ आप दूसरी वीडियो कौन सा देखना चाहते हो,
किस टॉपिक पे हम कंपैरिजन या मोहल्ला आपका बनाएं। और ये भी लिख दो कि आप अवनीत को चाहते हो अगली वीडियो में आना कि नहीं, या नहीं चाहते, ठीक है? ऑफ कोर्स हां होगा। देखते हैं। प्रूव हर रॉन्ग, प्रूव हर रॉन्ग, प्रूव हर रॉन्ग। नीचे लिखो नो। नो अवनीत।